दोस्तों आज है 16 अगस्त, तो 16 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और साथ में आपको पीडीएफ भी दूंगा। तो दोस्तों यदि आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल का लिंक मिल जाएगा 9 बजे के बाद में, ठीक है, 9 AM के बाद में। तो दोस्तों साथ ही आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता हूँ जो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़रूर होती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है फॉलो करने का, तो वहाँ से फॉलो ज़रूर कर ले। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई कमेंट है, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं जिसका रिप्लाई आपको 1 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से फॉलो कर लिए। मैं अनअकैडमी ऐप पर एक एजुकेटर हूँ, ठीक है दोस्तों, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 16 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों को दिया गया सबसे ज़्यादा बहादुर पुरस्कार कौन सा है। एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए और इसका उत्तर सोचिए कि क्या हो सकता है, उसके बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है परमवीर चक्र। राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर ने सशस्त्र सेना कर्मियों तथा अर्धसैनिक बलों के सदस्य को 131 शौर्य पुरस्कार देने की स्वीकृति दी है। तो दोस्तों हाल ही में ये 131 पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है, राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर ने, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है बलराम दास जी टंडन, ठीक है, बलराम दास टंडन। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल बलराम जी दास टंडन का 14 अगस्त 2018 को 90 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो इनकी जो मृत्यु हुई है वो 14 अगस्त को हुई है और ये 90 साल के होने के बाद एक्सपायर हुए हैं, ठीक है दोस्तों। इसका सही उत्तर है बलराम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महिलाओं की राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए नया कोच कौन है। तो एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए और इसका उत्तर सोचिए क्या हो सकता है, उसके बाद में एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों इसका उत्तर है रमेश पोवार। पूर्व टेस्ट स्पिन गेंदबाज रमेश पोवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। कोच तुषार अरोठे के इस्तीफे के बाद पोवार टीम के अंतरिम कोच पद पर थे। अब पोवार को पूर्ण रूप से टीम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर है रमेश पोवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, डाक राजमार्ग परियोजना भारत और इस देश के बीच एक संयुक्त राजमार्ग परियोजना है। तो दोस्तों क्वेश्चन को आप दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है नेपाल। भारत सरकार ने नेपाल में तराई सड़क की परियोजना के लिए 470 मिलियन नेपाली रुपए अनुदान जारी किया है। नेपाल में भारतीय राजदूत मंजीव सिंह पुरी ने नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्रालय सचिव मधुसूदन अधिकारी को नेपाल में काठमांडू में चेक प्रदान किया। तो जो 470 मिलियन रुपए दिए हैं नेपाली रुपए, वो काठमांडू में चेक प्रदान किया। इसका पोस्ट राजमार्ग परियोजना के तहत 14 सड़क पैकेजों के चालू निर्माण के लिए फंड तरलता बनाए रखने के लिए राशि जारी की है, 14 सड़क पैकेजों के लिए, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पिच टू मूव एक गतिशीलता उद्यमिता प्रतियोगिता निम्नलिखित में किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे और इसका उत्तर सोचिए क्या हो सकता है। तो दोस्तों इसका उत्तर है नीति आयोग।
नीति आयोग ने देश के उभरते उद्यमियों के लिए पिच टू मूव नाम से एक प्रतियोगिता शुरू करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य स्टार्टअप को कारोबार से जुड़े नए विचार निर्णायक मंडल के सामने पेश करने का मौका देना है। इसके तहत निवेश आकर्षित करने के लिए मोबिलिटी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप उद्यमियों को उद्योगपतियों और उपक्रम पूंजी उपलब्ध कराने के सक्षम अपने विचार रख सकते हैं कराने वालों के सक्षम समक्ष। ठीक है दोस्तों, तो पिच टू मूव एक गतिशीलता उद्यमिता प्रतियोगिता है जो नीति आयोग के द्वारा प्रस्तुत की गई है और ये नए जो स्टार्टअप हैं उनको आगे जल्दी स्पीड पकड़वाने के लिए प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महायादि नदी किस राज्य में निकलती है? महायादि नदी किस राज्य में निकलती है? क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद में इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है कर्नाटक। महायादि नदी कर्नाटक से निकलती है। गोवा में महादई नदी को मंडोवी नदी के नाम से जाना जाता है। राज्य की राजधानी पणजी मंडोवी के तट पर स्थित है जो भारत की सबसे छोटी नदियों में से एक है। यह बरसाती नदी कर्नाटक के बेलगाम जिले के भीमगढ़ में निकलती है। अरब सागर में गिरने से पहले नदी 35 किलोमीटर कर्नाटक एवं 52 किलोमीटर गोवा में बहती है। कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के सीमावर्ती इलाके पानी की ज़रूरतों के लिए महादई नदी पर निर्भर हैं। ठीक है दोस्तों, महादई लगा लो या ये देख लेना आप क्या महादही है या महायादि, लेकिन इसका उत्तर है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आयुष मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित दवाओं में से कौन सी नियंत्रित नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो एलोपैथी जो दवा है वो आयुष मंत्रालय के द्वारा नहीं है, इनके अंडर में नहीं आती है। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की सुरक्षा निगरानी बढ़ाने के लिए एक नई केंद्रीय योजना शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य आयुष की दवाओं के फायदों के साथ ही उनके दुष्प्रभावों का लिखित रिकॉर्ड रखने के साथ ही इन दवाओं के बारे में भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाना है। ठीक है, तो एलोपैथी इसका सही उत्तर है जो आयुष मंत्रालय के अंडर में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अनुवर्ती क्षेत्रों में कौन सा इबोला वायरस मानव प्राइमेट्स में बीमारी का कारण नहीं बनता है? तो क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए, उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे इसको। तो दोस्तों रेस्टोन वायरस इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत में सड़क सुरक्षा अभियान के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। तो इसका सही उत्तर है अक्षय कुमार। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री नितिन गडकरी ने 14 अगस्त 2018 को सड़क सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता पैदा करने के लिए 3 लघु फिल्में लॉन्च की। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने इन फिल्मों में भूमिका निभाई है। इन फिल्मों को का निर्देशन श्री आर बल्की ने किया है। इस सिलसिले में आयोजित समारोह में गडकरी ने अक्षय कुमार को सड़क सुरक्षा के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। तो 14 अगस्त से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हो गए हैं अक्षय कुमार। ठीक है, सड़क सुरक्षा के लिए, और हाल ही में 3 फिल्में लॉन्च की है सड़क सुरक्षा के से संबंधित। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है अक्षय कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों ये थे आज के 16 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है।
और दोस्तों साथ ही आप अन अकेडमी ऐप पर भी मुझे अभी फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहेगी जो आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगी। यदि आपको कोई दिक्कत है, कोई कमेंट करना है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ भी कमेंट कर सकते हैं, जिसका रिप्लाई आपको 1 घंटे के अंदर मिल जाएगा, या आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।